व्लॉग और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ रात के 11 बजे से क्योंकि कल हम जा रहे हैं एक बहुत घमासान ट्रिप पे। बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, फन होने वाला है। आपको पता तो लग ही गया है हम कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। हमारे प्यारे प्यारे स्पेशल फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हैं गोवा, तो उसी की पैकिंग चल रही है। रात के 11 बज गए हैं और मुझे सुबह 5 बजे उठना है क्योंकि 7 बजे हमें एयरपोर्ट पहुंचना है और हमारी फ्लाइट जल्दी की है, मॉर्निंग की है। तो ये देखो सारे बच्चे अपनी अपनी पैकिंग करने में लगे हुए हैं। मैं बता रही हूँ हम इतने एक्साइटेड है कि रात को 11 बजे भी ना अभी हमें नींद नहीं आ रही है, हम सोच रहे हैं कि आज सोते ही नहीं है। जागरण करते हैं यहाँ पे बैठ के ना। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ सारे में सामान ही सामान फैला पड़ा है। एक ये सूट केस है, एक ये सूट केस है, एक ये सूट केस है, बाहर सूट केस है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सारा सामान लगाऊं कैसे। इतना जल्दी जल्दी इसे पैक करो क्योंकि मुझे तो नींद आ रही है। अरे लगाऊं कैसे यार, इतना सारा तुम लाए जा रहे हो। ये नया वाला सूट केस है। हाँ ये इसका नया वाला सूट केस है। तो ध्वनि आपकी पैकिंग फाइनल है? हाँ, आपका कुछ पर्स बेटा? कितने पर्स लेके जाओगे? देखा ये पर्स अभी आपको दिख रहा होगा, उसमें भी पर्स है, उसके अंदर भी पर्स है, ये पाउच भी है और ये वाला बैग भी है। ध्वनि हम वहाँ पे परमानेंट शिफ्ट होने नहीं जा रहे हैं। और जिनी आपका क्या हाल है यहाँ पे? इसका ये देखो, ये जिनी सबसे अच्छी लड़की है, उसका ब्रीफकेस पैक्ड है और मम्मी ने खोल दिया है। अब आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं इसमें। इसका भी पूरा लगेज भर चुका है। मैं बता रही हूँ मेरा सिर्फ इस पोर्शन में सामान है, सिर्फ इसमें। मेरे लिए तो देखो बस तुम शॉर्ट्स और बनियान रख लेना, मैं तो गोवा में उसी से मस्ती मार लूंगा। फ्रेंड्स देखो पापा के कपड़े, सबसे ज्यादा पापा ने अपने कपड़े निकाल के रखे हैं। मैंने बोला था मैं सिर्फ 4 या 5 टी शर्ट लेके जाऊंगा। फिर चलो फ्रेंड्स हम लोग पैकिंग स्टार्ट करते हैं। फ्लाइट उड़ के चली जाएगी और हम यहीं रह जाएंगे। इनकी मस्ती तो खत्म होने वाली है नहीं। मैं जल्दी से इनकी पैकिंग फिनिश कराती हूँ, सूटकेस पैक करके आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स रात के 11 बज रहे हैं और बच्चों की ऑल्ट्रेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। मैं तो परेशान हो गई, एंड में ध्यान आया कि मैंने टेलर पे ऑल्ट्रेशन डाल रखी है। तो चलो आओ। अरे भैया कर दी है? अरे भैया अभी तक नहीं करे, 11 बज रहे हैं, आप कब दोगे ये बताओ? हो गया दीदी, मैं तो भूल गई थी सुबह मेरे को जाना है। अरे थोड़ा काम था, शादी ब्याह था इसलिए। ये देखो ये हमारे टेलर भैया, सबसे लेट लतीफ लेकिन काम कर देते हैं, रात को 1 बजे भी घर पे दे जाते हैं। पब्लिक का सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है, फर्ज है और धर्म है। भैया जल्दी कर दो, मुझे पैकिंग करनी है। लो और दूसरा ये देखो, ये बच्चों की ऑल्ट्रेशन ही नहीं कम्प्लीट हो रही है। ये बड़े वाले को दिया गया, कर दिया है ये भी कर दिया। अच्छा फ्रेंड्स अब हो गई है सुबह और सुबह के हो रहे हैं 6:45 और हमें बस 15-20 मिनट में यहाँ से निकलना है क्योंकि वरना हमारी फ्लाइट हो जाएगी मिस। और देखो लेकिन मम्मी का मेकअप यहाँ बिल्कुल भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसमें कितना टाइम लगेगा? मेकअप तो तब खत्म होगा ना जब करने दोगे। सुबह से 4 बजे से सबको उठा रही हूँ, इतनी मुश्किल से सब उठे हैं, इतनी मुश्किल से सब रेडी हो गए और सब कितने एक्साइटेड हो ये तो बताओ। फ्रेंड्स आज हम बहुत 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 ज्यादा धमाल करने वाले हैं। हमारे इस ब्लॉग को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सारे गोवा के ब्लॉग्स देखते रहना क्योंकि इसमें 3-3 सेलिब्रेशन होने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बैठ चुके हैं अपनी कैब में और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और हमारे सारे लगेज भी पैक हो चुके हैं और हम निकल चुके हैं घर से। फाइनली रेडी हो गए। बहुत टाइम लगा, बहुत पैकिंग में बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ मेरा तो। और आज हम बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, तो चलो हम मिलते हैं आपसे अब एयरपोर्ट पे। फ्रेंड्स हम लोगों ने कर लिया अपना सिक्योरिटी चेक भी और अब आ गए हैं लाउंज में। तो अब देखते हैं हम लोग आगे कितना मजा आने वाला है। बहुत ज्यादा मजा है और हमारे फ्रेंड्स का हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लग रहा है हम ही सबसे पहले पहुंचे हैं, वो लेट हो गए हैं। तो हमने चेक इन वगैरह सब हो गया, हमारा डन, हमारा सब रेडी है। अब हम अपने फ्रेंड्स का वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में वो लोग पहुँचने वाले हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब जा रहे हैं हरप्रीत जी और अमनीत सिंह की फैमिली से मिलने, वो लोग पहुँच चुके हैं अभी भी, उनका हमारे पास कॉल आया है। तो यहाँ पे भरत मिलाप चल रहा है। मैंने तो बोला हम तो बहुत देर के आए थे, आप कहाँ थे? आप बहुत लेट कर दिया भैया, हमें बर्थडे बॉय को तो ले लो। बर्थडे सारे अकेले अकेले वीडियो बनाए जा रहे हो, बर्थडे बॉय को कोई पूछ ही नहीं रहा है। 1, 2, 3, हैप्पी बर्थडे टू।
फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हो गई थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ध्वनि ने अपने लगेज में रख लिया था पावर बैंक, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी ने बुलाया और हमें फिर दोबारा से इसका सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ा, तो जिसमें हमारे अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट वेस्ट हो गए हैं। तो अब हम देखते हैं बाकी हमारी फैमिलीज क्या कर रही हैं। वो लोग तो थे पिज्ज़ा खाने में मस्त और मेरा पिज्ज़ा भी रह गया, मेरी कोल्ड ड्रिंक भी रह गई। और अब देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए ये आई हमारी ध्वनि और ये आ रही है हमारी लेट लती पेशरा जी। तो फ्रेंड देखो अब हम चेक इन कर रहे हैं, चलते रहो। ये देखो भाई साहब हमारे कैमरे में भी देख लो, ये देखो घुमा के हमने देख लिया है। तो फ्रेंड मजा आ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखो तीनों बच्चे बैठ गए हैं। सियान को देखो अभी तक मास्क लगा रखा है उसने। और यहाँ पे ध्वनि सोच रही है मैं कहाँ पे बैठूं। ध्वनि आप परेशान हो रहे हो? नहीं हो रही और वही सियान शनाया मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। गुनीत आपको मजा आ रहा है? और यहाँ क्या हो रहा है? हमने बताया अभी टेक ऑफ का वीडियो शूट किया है और कम से कम 10 और अनान्य आपको मजा आ रहा है? सब अपनी अपनी पार्टी में बिजी है। ये लो तुम्हारी कार्ड्स खेले जा रहे हैं ये दोनों। हाँ जी रमनीत जब क्या कह रहे हैं? मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये बच्चे खाने पीने का मांग रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत है पैसे, मतलब हमारा बर्थडे है। और देखो बच्चे कितने भूखे हैं यहाँ पे। हम पार्टी के लिए जा रहे हैं, हम बर्थडे पार्टी के लिए गोवा जा रहे हैं, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए। तो यहाँ से रिप्लाई क्या मिला हमें? ये कह रही है कि मैं लूंगी पैसे। तो फिर फाइनली देखते हैं कि पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। तो मैम आपका फाइनल डिसीजन क्या है? आपको सुनाया आपने क्या लिया? कैरेमल पॉपकॉर्न। और ध्वनि तेरी पॉपकॉर्न है कहाँ पे? तुम लोग एक ही में शेयर कर रहे हो? और गुनीत मैं भी शेयर कर रही हूं। आप लोग भी शेयर कर रहे हो। और आपका क्या हाल है यहाँ पे? हमें फोक की एक मिला, इसलिए हम दो ये चॉपस्टिक बना लिया आप लोगों ने। सियान को देखो कैसे कूद कूद के खा रहा है। अभी सिर्फ रहने दो उसे 2 मिनट तक। फ्रेंड्स अभी फ्रेंड अभी इन्होंने एयरपोर्ट पे पहले तो पिज्जा खाया और अभी इतने भुक्कड़ हो गए हैं ये लोग कि यहाँ पे ये लोग नूडल्स खा रहे हैं। क्या करें फ्रेंड्स, हम गोवा जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पेट ना हमारा बीच वाला बन गया, कभी खत्म ही नहीं होता। तो बीच पे ले जाके हम इन लोगों का पेट फाड़ देंगे। और सियारे तो चुप चुप क्यों है? ये बात सच कर रहे हैं सियान। चलो हो गया, सियान के कान में प्रॉब्लम हो गई है, वो सुन नहीं पा रहा, उसके कान बंद हो गए फ्लाइट में। बहुत गर्म है, ये देखो ये आए नूडल्स और ये गए मुंह में। और जी नहीं अब आपकी बारी। आप यहाँ पे ना मेरा वाला मत लो, नान्या को ले लो। ये आई वीडियो स्वीटी के नूडल्स। फ्रेंड यहाँ पे हम लोग कम से कम 10 से 15 मिनट अपने लगेज का वेट कर रहे हैं। और ध्वनि आपका लगेज कहाँ है? ध्वनि का लगेज आ गया। आ गया? आ गया, मुझे दिख गया। फाइनली। फ्रेंड पता नहीं मम्मी को कहाँ से दिख गया, लेकिन मुझे तो अभी दिखानी है। हमें बाकी ब्रीफ केसेस भी दिख गए हैं। हमारे भी लगेज आ गए फाइनली, वेट इज ओवर। तो फाइनली लगेज आ गया है, फाइनली मिल गया। तुम्हारा लगेज नहीं आया? गुनीत का लगेज नहीं आया, कोई बात नहीं, गुनीत एडजस्ट कर लेगी ध्वनि के साथ, है ना गुनीत? चेन्नई सुपर किंग्स स्पॉन्सर्ड हो या ऐसा क्या प्यार है चेन्नई सुपर? बच्चों को पसंद था मैंने मंगा लिया।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम गोवा पहुंच गए हैं, अभी हम गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और आई होप आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा और हम आगे क्या क्या करने वाले हैं वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तो तब तक आप इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो जल्दी से क्लिक करके देखो।